नहीं, जब मैं मतलब मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए मतलब मलाइका से बचने के लिए इंग्लिश बोलता हूँ, तो वो बोलती है नहीं नहीं बेटा हिंदी में आ जा, हिंदी में उतर जा। तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ अब इसका मूड ख़राब हो गया तो अब नहीं छोड़ेगी, तो फिर हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, तो फिर फाइनली वो मारना शुरू कर देती है ईटिंग बीटिंग वाला। आज का सीन बहुत अरे बढ़िया हुआ, मीन्स मेरे को बहुत मज़ा आया। सबसे बड़ी बात तो कुत्तों की आवाज़ निकालनी थी, बड़ा कुत्ता फिर छोटा कुत्ता फिर पप्पी वाला कुत्ता होता है वो कुत्ता, तो डिफरेंट डिफरेंट डॉग की साउंड्स थे वो मैंने निकाले। फिर बाद में सामने एक मेरे से भी बड़ा कुत्ता आ जाता है, मतलब रियल कुत्ता आ जाता है, फिर मैं उससे डरता हूँ, जो कुत्ता जब रियल में डरता है तो अपने से बड़े वाले को, तो वो साउंड निकाला। तो फाइनली कैट आती है, फिर कैट बोलती है हाँ हाय, तो मैं क्या हाँ आ जा आ जा, तो मैं आके बाइक पे बैठता हूँ, तो पीछे बैठती है, मैं क्या इतना टाइम क्यों लगा दिया, पीछे पता लगता तो मलाइका है, तो फिर मलाइका का मारना धारना चालू जो हुई है, तो हिट एंड मिस वाला है, बड़ा मज़ा आता है। नहीं ये तो मतलब नेचुरली था, जो मैंने किया था नेचुरली था, ऐसा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ मैंने कोई डिफरेंट कुत्तों की आवाज़ नहीं निकाली, कहीं पे साउंड मोटा कर दिया, कहीं पे पतला कर दिया, फिर कहीं पे वो पप्पी वाला जो है तो वो जो पप्पी वाला होता है वो साउंड कर दिया, फिर बाद में पता लगता है मैं इरिटेट होता हूँ, आई नहीं रही, फिर मैंने कहा ऐसा साउंड निकाला मिक्स एंड मैच की, अब आजा बहुत टाइम हो गया है, जब मैं साउंड ऐसी निकालता हूँ गुस्से वाली जो भी लास्ट में निकाली थी, तो उसे देख के फिर सामने वाला एक कुत्ता आ जाता है, वो कुत्ता मेरे से भी बड़ा कुत्ता होता है, उसे देख के फिर मेरी मतलब मैं डर जाता हूँ। तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा शो देखते रहिए और अच्छी अच्छी कहानी आ रही है इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फन कॉमेडी मिल रहा है, आपको एक अच्छा मैसेज भी मिलता है लास्ट में, और अच्छी अच्छी कहानी आती है, जो केमिस्ट्री आपको घर में देखने को मिलती है अपने फैमिली के साथ, वो आपको हमारे दादी और जो कामना दी हैं उनके साथ देखने को मिलेगी, फैमिली के साथ देखने को मिलेगी, और थोड़ा सा जो एक डूड वाला फैक्टर है, थोड़ा सा नेचुरल कॉमेडी फन रियलिस्टिक, वो आपको मलाइका कैट कमलेश के साथ देखने को मिलेगी।